हाय एवरीवन, हर हर महादेव। आज मैं आप सभी के साथ परफेक्ट स्कूल कॉलेज मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। तो आज का रूटीन सुबह के 5 बजे से स्टार्ट होता है। धरती पर पांव रखने से पहले हम धरती माँ का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद धरती पर पांव रखेंगे, फिर हम अपने रूम की लाइट्स ऑन करेंगे। बाहर की लाइट जल रही है क्योंकि मम्मी मेरे से पहले उठ चुकी है। अब मॉर्निंग में जल्दी उठने के लिए सबसे बड़ा टास्क होता है अपने बिस्तर को छोड़ना, तो वो काम तो मैंने कर दिया। अब मैं फटाक से अपने बिस्तर को ठीक भी करूंगी, क्योंकि अगर ये ऐसे ही बिखरा रहेगा तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगी दोबारा सोने के लिए। और मॉर्निंग में उठते ही अपना बेड सही करना इज अ वेरी गुड हैबिट। हमारा आधा आलस तो ये काम करते करते ही खत्म हो जाएगा। एंड दिस हैबिट विल गिव अवर बॉडी एंड माइंड अ पॉजिटिव डायरेक्शन। अब बिस्तर बनाने के बाद मैं कूलर को बंद करूंगी और उसके बाद सीधा चलेंगे हम बाहर और फेस वॉश करेंगे। फेस वॉश करने के बाद तो समझो आपकी पूरी की पूरी नींद ही उठ जाएगी। फिर आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठे और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है अपने सारे कामों को कंप्लीट करने के लिए। आपको बिल्कुल भी गिल्ट तो होने ही नहीं वाला। फेस वॉश करने के बाद अब मैं पीऊंगी 1 गिलास पानी। हमेशा मॉर्निंग में हमें पानी पीने के बाद थोड़ी देर के लिए टहलना चाहिए, उसके बाद फ्रेशन अप होने के लिए जाना चाहिए। ऐसा करने से हमारी बॉडी अच्छे तरीके से क्लीन हो जाती है। इसलिए पानी पीने के बाद 5 से 7 मिनट तक हम वॉकिंग करेंगे और उसके बाद हम फ्रेशन अप होने के लिए जा सकते हैं। ये सब करने के बाद हम आराम से बैठ के अपने डे को प्लान करेंगे। कौन कौन से काम हम आज के दिन से चाहते हैं कि वो कंप्लीट हो, उन सारी चीजों की लिस्ट बनाएंगे। मेरे इतने बार बोलने के बाद भी अगर आप लोगों ने अभी तक अपने डे को प्लान करना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से स्टार्ट कर दो। ये हैबिट आपकी लाइफ में एक अलग ही चेंज ला देगी। हम 5 बजे उठे हैं तो स्कूल में जाने से पहले हमारे पास बहुत टाइम है, इसलिए हम अपनी बॉडी को टाइम दे सकते हैं। हमें डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे डे की एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी। चलो अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट काम की, वो है रिवीजन करना। अपने सारे होमवर्क की रिवीजन करके स्कूल में जाना इज द बेस्ट हैबिट। इसलिए अब आराम से बैठ के हम अपने सारे होमवर्क की रिवीजन करेंगे। अब देखो आप मॉर्निंग में 5 बजे उठने का कितना ज्यादा फायदा हो गया। हमारे पास इतना टाइम है कि हम अपनी सारी एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से पूरा टाइम दे सकते हैं। और सुबह का मौसम भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बिल्कुल शांति होती है, तो आप जो भी काम करते हैं ना बिल्कुल मन लगा के इस टाइम पे कर सकते हैं, वरना हम इस टाइम को सोने में ही वेस्ट कर देते हैं। बस मॉर्निंग में जल्दी उठने के लिए फर्स्ट स्टेप लेना है, उसके बाद तो देखना सारी चीजें अपने आप होती हुई चलेंगी। ये सब करने के बाद आप अपने लिए टी, कॉफी जो भी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। और अपनी टी कॉफी को लेके एक नोटबुक के साथ बैठ जाना। अब आप करोगे कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस। मैंने तो अपने लिए ग्रीन टी बनाई है। मॉर्निंग में पॉजिटिव अफर्मेशन करना बहुत 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 ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमारा पूरा दिन कैसा जाएगा ये चीज डिपेंड करती है कि हम मॉर्निंग में क्या कुछ करते हैं। मॉर्निंग में हम नेगेटिव चीजें करते हैं या फिर पॉजिटिव चीजें करते हैं। वैसे
वैसे तो ना हमें अपनी यूनिफॉर्म एक रात पहले ही रेडी कर देनी चाहिए, बट जब हम मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठते हैं ना तो हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम इस चीज को भी मॉर्निंग में ही कर सकें। तो अगर पिछले दिन आपको इस एक्टिविटी को करने का टाइम नहीं मिला है तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जल्दी उठने के बाद अपनी इस चीज को भी कर सकते हैं। और बिना आयरन किए स्कूल में जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अच्छे तरीके से हम सारी चीजों को अपनी रेडी करने के बाद ही स्कूल में जाएंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी स्कूल लाइफ में। अपनी ड्रेस को आयरन करने के बाद फिर बिना देर करते हुए आप नहाने के लिए चले जाइए, और नहाने के बाद फिर आराम से अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय करिए। आपको अच्छे तरीके से अपना पेट भर के ही स्कूल में जाना चाहिए, वरना बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं वो ब्रेकफास्ट स्किप करके स्कूल में चले जाते हैं, बट उसका मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं बनता ऐसा करने का। जब आपका पेट अच्छे तरीके से भरा होगा ना तभी आप स्कूल में अच्छे तरीके से पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट ना ब्रेन फूड होता है, इसलिए आज से ब्रेकफास्ट को स्किप करना तो बिल्कुल बंद कर दो। और ब्रेकफास्ट के बाद अब हम करेंगे ब्रश। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश कैसे, वो तो सुबह उठने के बाद करना चाहिए। लेकिन जब आप रात को ब्रश करके सोते हो ना तो आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश करना होता है, क्योंकि ऐसा करने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद दोबारा से आपका माउथ बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और आप स्कूल में अच्छे तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर पाएंगे। ब्रश करने के बाद फिर आपको अपना टिफिन पैक करना है और वाटर बोतल को भी भरना नहीं भूलना है, वाटर बोतल भी अपने साथ लेके जानी है, क्योंकि किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे पे तो डिपेंड रहना ही नहीं, अपने पास ही सारी चीजों को रखेंगे जिससे हम दूसरों की हेल्प कर पाए और खुद की भी। और अब हम अपने बैग को अच्छे तरीके से चेक करेंगे, जो नोटबुक्स हमने बाहर निकाली हो या उन सारियों को डालेंगे, अच्छे तरीके से अपने बैग को पैक करेंगे। और अब हम अपने स्कूल के लिए रेडी होना स्टार्ट कर देंगे। जो जो चीजें हमारे स्कूल में अलाउड हैं वो सारी चीजें करके खुद को तैयार करेंगे। स्कूल के लिए निकलने से पहले हम मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे और खुद को मोटिवेट करेंगे आज के एक दिन के लिए। और फिर हम स्कूल में जाने से पहले भगवान जी का और अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेंगे और फिर स्कूल में जाएंगे। और अब तक अगर आपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आप सबसे परसों, तब तक के लिए हर हर महादेव।